जय माता दी फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता। वेलकम टू माय चैनल स्वीट्स एंड स्पाइसी रेसिपी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरमल चॉकलेट कुकीज। तो देखिए, आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कितनी इजी और टेस्टी रेसिपी है। चलो मैं इंग्रीडियंट्स दिखाती हूँ कि इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रीडियंट्स चाहिए थे। हमें चाहिए 1/4 कप शुगर, 1/4 कप अमूल फ्रेश क्रीम, 1 टीस्पून बटर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं हमने, और हमें 2 चॉकलेट बार चाहिए। पिज़्ज़ा बेस चाहिए, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी। इसे हम एक ग्लास ले लेंगे या फिर एक बाउल आप ले सकते हो, उस पर थोड़ा सा बटर लगा दीजिए आप साइड से ताकि वो चिपके ना, और इसे हमें पीसेस में कट करना है। देखिए किस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। इसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए और ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे हम। इस तरीके से आप हम सारे पीसेस कट कर लेंगे। देखिए अब हम कैरमल सॉस बना रहे हैं, तो मैंने पैन रखा है गरम होने के लिए। अब हम इसमें अपनी शुगर डाल देंगे और इसे मेल्ट होने के लिए रख देंगे। देखिए अब ये मेल्ट होने ही वाली है। बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि आपको इसे सिम लो पर करना है मेल्ट, ठीक है। तेज़ पर मत कीजिएगा क्योंकि ये जलने का डर रह सकता है इसलिए। देखिए ये अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। आप इसे ज़्यादा ना पकाएं क्योंकि ये क्या होगा, जल जाएगी। देखिए कितनी स्मूथ बनी है ये। अब हम इसमें अपना जो बटर लिया था वो डालेंगे और इसे इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए आप। अब अपनी फ्रेश क्रीम इसमें डाल देंगे हम, और इसे लगातार चलाते रहिए, एक हाथ से डालते रहिए और एक हाथ से मिक्स करते रहिए। इसमें ये गुठलियाँ बन गई है तो कोई बात नहीं, इसे हम जब हम मिक्स करते रहेंगे तो ये अपने आप मेल्ट हो जाएगी। बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि इसे लो गैस पर ही पकाएं। जो हमने पिज़्ज़ा पीस कट किया था, अब हम उसे इसके पीसेस को और कट करेंगे। इसे बीच में से कट करना है नाइफ से। आप इसे पूरा मत कट करिए, हाफ कट करिएगा ताकि इसको लगाएंगे तो ये आसानी से चिपक जाएगा। देखिए अब हम इसमें कैरमल सॉस लगाएंगे। इसे इस तरीके से फैला दीजिए अच्छी तरह। हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए हैं, और अब आप इसे 10 मिनट फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी रखा है और उसके ऊपर बाउल रखा है ताकि हम चॉकलेट मेल्ट कर सकें। अब उसमें अपनी चॉकलेट डाल दूँगी। और इसे मेल्ट होने के लिए रख देंगे। ठीक है, हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। देखो कितनी स्मूथ बनी है ये। हमारे ये पीसेस सेट हो गए हैं। अब हम इसे अच्छे से इसमें डिप कर लेंगे। देखिए हमने सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं, और इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं ताकि ये खाने में भी अच्छे लगे और देखने में भी अच्छे लगे। अब हम इसे फिर से फ्रिज में रख देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए, तब तक ये सेट हो जाए बस। इसलिए जा सकते हैं, कैसे भी गार्निश कर सकते हैं। प्लीज़ ये मेरी पहली डिश है, और आप इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट में कि कैसी लगी आपको प्लीज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़।